के समुद्री तटों और वहाँ की नाइट लाइफ से आज के टाइम में कौन परिचित नहीं है। यहाँ पर्यटकों समुद्र तटों के साथ साथ यहाँ की सुंदर को बढ़ा देने वाले गिरजाघरों का भी लुफ्त उठाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक तरफ जहां गोवा नव विवाहित जोड़ों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं, वहीं यहां पर एक स्थान ऐसा भी है जहां लोग जाने से कतराते हैं। सूरज ढलने के बाद वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जी हां, सूरज ढलने के बाद वहां आवाजाही थम सी जाती है। आप ये सब सुनकर सोच में पड़ गए ना, गोवा जैसा पर्यटन स्थल जहां हमेशा पर्यटकों की आवाजाही लगी रहती है और जो प्रदेश अपनी नाइट लाइफ के लिए जाना जाता हो, वहां ऐसा कौन सा स्थान है जहां सूरज ढलते ही आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो आज हम अपने इस एपिसोड में गोवा के इस रहस्यमय स्थान से उठाएंगे पर्दा और बताएंगे आखिर सूरज ढलने के बाद वहां जाना क्यों है वर्जित। तो जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गोवा में जहां एक तरफ प्रेम की अनुभूति करा देने वाला बीच है, जहां लोग अपने पार्टनर के साथ आके विशाल समुद्र की पहाड़ों से टकराती लहरों का लुफ्त उठाते हैं, वहीं यहां पास में ही थ्री किंग्स नामक एक चर्च है जो गोवा के कैसोलिम क्षेत्र में प्राकृतिक सौंदर्य के बीच स्थित है। वृक्षों की हरियाली ने इसे चारों ओर से ढक रखा है। ये चर्च देखने में जितनी खूबसूरत और आकर्षक लगती है, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक और दिल दहला देने वाली है। आपको बता दें कि चर्च के अंदर असामान्य गतिविधियों को भी बहुत बार महसूस किया गया है। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पर तीन राजाओं की अतृप्त आत्मा घूमती है और लोगों को अपने यहाँ होने का एहसास कराती है। मैं इस रोड से निकलते डरता हूँ। मैं 8 बजे के बाद कभी निकलना, ठेकेदार हूँ, कभी निकलना होता है, दिन में तो निकलता ही हूँ, रात में कभी नहीं निकलता हूँ इधर से, पहले उस दिन के बाद कभी नहीं निकलता। कई बार लोगों ने उनके कदमों की आहट को सुना तो कई बार वहाँ से दर्द में चीखने की आवाजें सुनाई दी। इन सब बातों पर विश्वास करना थोड़ा कठिन होता है कि जिस पवित्र स्थान पर लोग भगवान की इबादत करते हो वहाँ पर किसी अतृप्त आत्मा का बसेरा हो, लेकिन इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता कि स्थानीय लोगों ने चर्च में अतृप्त आत्माओं के होने का एहसास किया है। इसके साथ ही इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने भी चर्च में असामान्य ऊर्जा महसूस किया, जो इस बात की ओर साफ इशारा करती है कि यहाँ कुछ तो है। कौन है वो जिसकी आत्मा आज तक यहाँ भटक रही है? क्यों नहीं मिली इस अतृप्त आत्मा को शांति? इसकी है ये आत्मा जो करती है चर्च में वास। आपको बता दें कि काफी साल पहले यहाँ पर तीन राजाओं का शासन था और तीनों ही राजाओं के मन में सत्ता की लालसा थी, जिसके चलते उन तीनों में काफी वाद विवाद होते रहते थे और तीनों ही एक दूसरे से सत्ता हथियाने की सोचते रहते थे। तो एक दिन होलकर अवलंगर ने सोचा कि युद्ध के मैदान में तो इनसे राज छीनना असंभव है, तो उसने एक युक्ति सोची और उसके तहत दोनों राजाओं की चर्च में खाने पर आमंत्रित कर उनके भोजन में जहर मिलाकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन कहते हैं ना, इंसान गुनाह करके कभी बच नहीं सकता, क्योंकि उसका गुनाह दुनिया के आगे उजागर ना हो जाए, उसके अंदर का यही डर उसकी जान ले लेता है। और यही उस राजा के साथ भी हुआ। अपने राज्य के नागरिकों को चर्च की ओर आता देख होलकर अवलंगर ने भी वही जहर खा लिया जो कि उसने अन्य दो राजाओं को दिया था। उसने भी चर्च के अंदर ही दम तोड़ दिया और जब राज्य के नागरिकों ने चर्च में तीन राजाओं के मृत शरीर को वहां पड़ा देखा तो उन्होंने उन राजाओं के शरीर को चर्च में ही दफना दिया और तभी से उनकी रूह आज तक इस चर्च में भटक रही है और लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। और यही कारण है कि भगवान के इस घर में जहां लोग प्रार्थना करने जाते हैं
वहीं सूरज ढलने के बाद इस चर्च के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और पर्यटकों से भी यहां आने को मना किया जाता है।